स्नैक्स का टाइम हो गया। राइस केक, राइस केक। मैंने तुम दोनों के लिए खास तौर पर राइस केक बनाए हैं, तुम्हें पसंद है? राइस केक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। नहीं मेरा है, मैंने कहा ना मेरा है। डोरेमोन मेरा है। मेरा है। क्योंकि ये मेरा राइस केक है। मेरा राइस केक है। मेरा है। मैंने कहा ना मेरा है। तुम्हारा कैसे हो गया? क्या कर रहे हो? मेरा है। मुझे बताओ तुम दोनों में से गलती किसकी है? डोरेमोन मुझे राइस केक नहीं कहा, मेरा था वो। सब इसके बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। डोरेमोन ने मेरा राइस केक ले लिया। मॉम ये आखिरी बचा था और इसे मैंने पहले देखा था पर नोबिता ने छीन लिया। बस अब लड़ाई खत्म करो। तुम्हारी वजह से मॉम मेरा राइस केक खा गई। पर ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर मॉम हमें तीन की जगह चार राइस केक देती तो हम दोनों को इस तरह लड़ना नहीं पड़ता। आइडिया, राइस केक मेकिंग मशीन। हाँ? डोरेमोन तुम शक्ल से लगते तो नहीं लेकिन तुम बहुत जीनियस और बहुत ही समझदार हो। अरे मेरी इतनी तारीफ भी मत करो, इसे ऑन करता हूँ। हाँ? अरे राइस केक के इंग्रेडिएंट्स तो डाले ही नहीं। अरे मॉम क्या आप हमें प्लीज थोड़े राइस दे देंगी? खाने की चीज के साथ खेलना नहीं चाहिए। हम खेलेंगे नहीं, बस उससे राइस केक्स बनाएंगे। राइस केक्स बनाना तुम जैसे बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए? हम बना लेंगे, आप बस दे दीजिए ना। पर वो तो बहुत ही कम है। ठीक है मत दीजिए। राइस के बिना हम राइस केक कैसे बनाएंगे? राइस केक बनाने के लिए हमें ही कहीं से राइस लाने होंगे। पर एक बात बताओ, ये सब हम करेंगे कैसे डोरेमोन? चिंता मत करो, होम फार्मिंग सेट, इसकी मदद से हम राइस उगाएंगे। इसकी मदद से हम बनाएंगे एक सूरज और इस ट्यूब से बनाएंगे बादल। मैं बनाऊं? ये लो। स्केयरक्रो। और इससे हम बनाएंगे खेत। लगता है यहाँ पर बारिश होने वाली है। इतने ज्यादा बादल क्यों बना दिए? अगर हमने जल्दी इन्हें कम नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये लो। जल्दी 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 जल्दी। चलो अब शुरू करें। पहले मैं इसे बिछा देता हूँ। इसमें पहले से ही पानी है। हाँ ये बहुत उपजाऊ है। चलो अब बीज बोते हैं। आओ तुम भी मेरी मदद करो। बैठे बैठे देख क्या रहे हो, मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना डोरेमोन। अरे तुमने उसे ठीक तरह से नहीं लगाया, उसे सीधा लगाना चाहिए नोबिता। अब ठीक है। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना तो काम भी नहीं किया। मिनिएचर साउटो में। मिनिएचर साउटो में ये क्या है? ये ऐसे
से डांस क्यों कर रहे हैं? मेरा दर्द ठीक हो गया। काम हो गया, मैंने सारा काम कर दिया। हमने सारे पौधे लगा दिए हैं। 2 घंटे में राइस तैयार हो जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे में? हाँ, तुम देखते जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता गर्मी ज्यादा हो गई है? अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बारिश? ये तो बहुत कम है। अरे बारिश रुक क्यों गई? ये बात तो मैं भी नहीं जानता नोबिता। हमारा खेत तो सूख गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों मेरी मुसीबतें बस बढ़ाते ही रहते हैं। इनका क्या करूं मैं? क्या कर रहे हो? अरे वो नहीं पानी। ये क्या, हमने बेकार में इतनी मेहनत की। अब क्या होगा? इन्हें सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। बारिश को बंद कर दो। हाँ, सूरज आ गया। नोबिता जरा यहाँ आकर देखो। अरे वाह, हाँ, हमारी फसल तो उगने लगी। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना? सब बिल्कुल ठीक है। अरे मुझे मौसम के बारे में जान लेना चाहिए। मौसम के बारे में? क्योंकि तूफान आ सकता है जो इनके लिए ठीक नहीं। नोबिता, तूफान यहाँ से शुरू होकर तुम्हारे खेत की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहना। क्या? तूफान के साथ साथ आज यहाँ बहुत तेज बारिश भी होने वाली है, तो अगर तुम खेत को बचाना चाहते हो तो जल्दी ही कुछ करो। आ रहा है, तैयार हो जाओ। बहुत तेज तूफान है। नोबिता संभल कर। हाँ ठीक है। आसमान अब पूरी तरह से साफ है, तूफान खेत से दूर चला गया। बहुत तेज था। तूफान चला गया, शुक्र है हमारे खेत को कुछ नहीं हुआ। चावल में थक गया, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे वाह, ये चावल उग गए हैं डोरेमोन, देखो। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे राइस अब तैयार हैं। बिल्कुल। अरे वाह, ये चावल उग गए हैं डोरेमोन, देखो। चलो अब हम इस राइस से राइस केक बनाएंगे। राइस को इस मशीन में डालेंगे। ये मशीन चिपचिपे चावलों को सुखाएगी और फिर उन्हें पॉलिश कर देगी। वो तो ठीक है, लेकिन राइस केक कब बनेंगे? जब चावल तैयार हो जाएगा उसके बाद ये हमारे लिए राइस केक बनाएगी। ये राइस केक बन गए। चलो खाते हैं।
आओ। टेस्टी लग रहा है। मेहनत का फल मीठा ही होता है। एक बात बताओ, हम इससे कितने राइस केक्स बना सकते हैं? आओ। इसमें लिखा है 259 राइस केक्स बन सकते हैं। ये तो बहुत सारे हैं। इसका मतलब अगर हमें शेयर करना हो तो हमें मिलेंगे 259 को हम दो हिस्सों में बांटे तो 129 तुम्हारे और 130 मेरे। नहीं, तुम्हें 129 और मुझे 130।